राहुल गांधी कैसे बने पप्पू से पावरफुल लीडर, आज जन्मदिन पर जानेंगे राहुल गांधी का सियासी सफर। दिन रात मेहनत कर राहुल गांधी ने बदल दी पार्टी की छवि, जो अंधेरे में जा चुकी थी कभी। कैसे राहुल गांधी ने विपक्ष ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दी अपनी ताकत, आज हर जगह हो रहे हैं पास। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन के लिए खासी तैयारियां की हैं। राहुल गांधी का यह जन्मदिन कई मायनों में खास है। पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने उनकी नौसिखी नेता की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। देश भर में पैदल यात्रा करके और लोगों से जुड़कर अब वे एक जन नेता की तरह उभर आए हैं। इसका परिणाम भी उनकी पार्टी को साफ मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने खुद अपनी दोनों सीटें रायबरेली और बायनेट से जीत दर्ज की है। ऐसे में आज समझते हैं कैसा रहा राहुल गांधी का राजनीतिक सफर और कैसे बन गए वे पप्पू से एक मास लीडर। विदेश में पढ़ाई पूरी कर राजनीति में आए राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। 1984 में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी की स्कूलिंग सुरक्षा कारणों से घर पर ही हुई है। उस समय राहुल केवल 14 साल के थे। इसके बाद राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MPhil की उपाधि हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 3 साल एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम भी किया है। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार राजनीति में एंट्री की। उन्होंने गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी जीती। वे लगातार 3 टर्म अमेठी के सांसद रहे। 2019 में अमेठी में राहुल की हार हुई, हालांकि वे केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने वायनाड और रायबरेली में जीत दर्ज की, हालांकि वे रायबरेली के ही सांसद बने रहेंगे। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में राहुल को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अयोग्य नेता समझा जाता रहा है। साथ ही नेहरू गांधी परिवार से होने के चलते लगातार परिवारवाद के आरोप भी लगते आए हैं। 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा गांधी के सिर पर ही फोड़ा गया। उनके खिलाफ एक पूरा कैंपेन चला जिसमें राहुल गांधी की एक नासमझ नेता की छवि बनाई गई। राहुल को पप्पू कहकर संबोधित किया जाता था। सोशल मीडिया पर यह एक तरह का मीम बन चुका था। उनके राजनीतिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए गए। राहुल के कई बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में राहुल से गलतियां भी हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में एक ओर उन्होंने मोदी उपनामबाजी विवाद के चलते अपनी सांसदी गवाई, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा ने उनके मिशन 2024 की तैयारी कर दी। इस दौरान उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है बयान ने लाखों लोगों का दिल जीता। इसके बाद 2024 में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों में जनसंपर्क किया। राहुल गांधी के बयान और उनकी सोच ने लोगों को खासा प्रभावित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल एक जन नेता बनकर उभर गए हैं। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की भी पूर्ण संभावना है। राहुल गांधी ने अपनी सहजता से लोगों का दिल जीता है। उन्हें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सफेद रंग की एक टी शर्ट में देखा गया। अपनी यात्राओं के दौरान भी राहुल ने एक साधारण व्यक्ति की छवि बनाई। वे लोगों से बात करते, उनके घरों का खाना खाते और उनकी समस्याएं सुलझाने का वादा करते। लोगों से अपने घर परिवार की बातें कर राहुल एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाते हैं। वहीं कुछ मजाकिया बयान जैसे फटाफट और टकाटक से वे लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी वजीवत सीख गए हैं। उनके बयानों में अब तर्क ज्यादा दिखाई देता है। अपने खिलाफ चलाए गए कैंपेन का जवाब भी अब राहुल स्मार्टली देते हैं। जो उन्हें अयोग्य कहते रहे, उन्हें जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अगर मैं अयोग्य हूँ, बेकार हूँ, तो भारत के लोग यह देखेंगे। गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब उनके प्रधानमंत्री बनने के चर्चे भी शुरू हो गए हैं।